मोदी जी किस किस को जूते मारोगे डीजल पेट्रोल सौ रुपए में ले रहे हैं तो हमको महंगाई दिखती है तीस रुपए किलो आटा ले रहे हैं भैया है। पंद्रह किलो आटा लेते थे, थे हमको महंगाई दिखती है आपको नहीं दिखेगी हमको आ, मालूम है आपकी तो कहे थे ना सर 2014 में कि खून का कतरा कतरा बिक जाए तो मोदी मोदी जी को ही दे हम तो कहते हैं मैं गोबर भक्त मैं मानता हूँ मैं अंधभक्त मैं मानता हूँ इन्होंने देश के 140 करोड़ जनता को जूता मारने का काम किया है तो इनको 50 जूता अगर एक जनता मारेगी ना तो इनका उद्धार हो जाएगा तो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको जूते मारने चाहिए ये मैं नहीं कह रही हूं ये बीजेपी की सांसद का कहना है ये जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी डर से बकलाकर बयानबाजी कर रही है उसके सांसदों बेतुके बयान ऐसे जारी करते हैं कि सोचने पर हैरान हो जाते हैं कि आखिर जबरन जनता से वोट मांगने के लिए इस तरीके की विवादित टिप्पणी करनी पड़े क्या कहेंगे अनुराग ओझा जी मैडम देखो ये हिटलरवादियों की सरकार है मैं एक नहीं दस बार बोलता हूँ और ये भाजपा ही नहीं है ये दंगाई हैं इनको सिर्फ सांसद बना दिया गया है मोदी जी जूते नहीं मार रहे मोदी जी महंगाई के जूते मार रहे हैं बेरोजगारी के जूते मार रहे हैं भूखमरी के जूते मार रहे हैं किसानों को जूते मार रहे हैं महिलाओं को जूते मार रहे हैं मोदी जी किस किस को जूते मारोगे अब आपके सांसद ने कह दिया कि जूते मारो जो वोट न दे पहले मोदी जी को जूते मारने चाहिए दो हजार चौदह से पहले खुद नहीं, को, सही तो कह रहे हैं कि जो पति है अनुपम खैर कश्मीर फाइल पे पता है पंडितों का दर्द दर्दा रहे थे जनता के बीच में जो आप लोग नहीं कर पाए वो अनुपम खैर और अग्निहोत्री फिल्म के जरिए लेकर आ रहे थे सामने तो मैडम जो डलहोजी ना कर पाए वो ये काम कर देंगे कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे जो डलहोजी नहीं कर पाए मोदी जी कर रहे हैं ना जो हम नहीं कर पाए वो अनुपम खैर ने कर दिया मोदी जी सिर्फ और सिर्फ चाय नहीं बेचते थे रेलवे स्टेशन पे जेब काटते थे समझ में रहे हो ना मैडम जेब कतरे थे और आज जेब काट रहे हैं अडानी जी की जेब काट दी अब मोदी जी के छिपाने के लिए सदन में जो चर्चा चल रही है मोदी जी भागते फिर रहे हैं महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहते बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहते तो अडानी से, से भी ज्यादा मुद्दों पे अहम मुद्दों पे बात कीजिए किस पे बात करते हैं किस पे बात करते हैं मोदी जी किस पे बात करोगे आइए हमने सामने किस चीज पे बात करोगे हिम्मत है सांसदों से तो उनके भिड़ने की हिम्मत नहीं है हमसे बातचीत करोगे किस मुद्दे पे बात करते हैं सदन में बताइए इंदिरा गांधी पे बात करते हैं सोनिया गांधी पे बात करते हैं कांग्रेस पे तो तो बात तो करते हैं कांग्रेस को जवाब पर... देते हैं कांग्रेस उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाएगी तो उनको जवाब तो देना बनता अरे है, है मोदी जी हम भी तो कह रहे हैं महंगाई है हमको जवाब दीजिए ना कि महंगाई नहीं है हम कह रहे हैं ना बेरोजगारी है तो उस उसपे बोलिए ना बोल रहे हैं मोदी जी बोल रहे हैं महंगाई कहाँ कहाँ महंगाई महंगाई आपको नहीं दिखती है भैया इनको नहीं दिखेगी इनको आईटी सेल वाले देते हैं इसलिए नहीं दिखेगी हमको महंगाई दिखती है भैया चार सौ वाला सिलेंडर अब हम ग्यारह सौ रूपये में ले रहे हैं तो हमको महंगाई दिखती है साठ रुपए वाला डीजल पेट्रोल हम सौ रुपए में ले रहे हैं तो हमको महंगाई दिखती है तीस रुपए किलो आटा ले रहे हैं भैया पंद्रह रुपए किलो आटा लेते थे हमको महंगाई दिखती है आपको नहीं दिखेगी हमको आ, मालूम है आपके ही तो कहे थे ना सर दो में की खून का कतरा कतरा बिक जाए वोट तो मोदी वो मोदी मोदी जी को तो ही तो कहते हैं, हटाओ देश बचाओ देश का होगा बेड़ा पार अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार मोदी भगाओ मैडम जब तक मोदी हटेगा नहीं तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा हो सकता है चौबीस में कुछ काम रह गए चौबीस में सत्ता में आएंगे फिर पूरे कर देंगे ये अगर चौबीस में गलती से भी आ गए तो किडनी और रुवाल गरीबों का बेचने का काम करेंगे या आरक्षण खत्म करने के चक्कर में ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कह रहे है नहीं तो हिंदू राष्ट्र अभी आपने देखा होगा कि ओबेसी और एस टी ओबीसी के जितने भी लोग हैं उनकी अगर हम जमीन खरीदेंगे उत्तर प्रदेश में तो अब डीएम से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा तो वहाँ किया अब वहाँ पे खत्म ये हिंदू राष्ट्र इसीलिए बनाना चाहते हैं कि जो पिछड़े लोग हैं दलित लोग हैं आदिवासी लोग हैं उनका आरक्षण खत्म हो जाए हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है अच्छा तो संस्कृति जिंदा कर रही है भाजपा तो संविधान राष्ट्र बनाइए ना संविधान राष्ट्र से आपको दिक्कत है संविधान राष्ट्र से दिक्कत है भैया मैडम कह रही है संविधान राष्ट्र से दिक्कत है बोलिए दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत मुझे दिक्कत है एस सी के लिए पांच फायदे गिनवा दो महिलाओं के लिए पांच फायदे गिनवा दो ए मैडम आपके हाथ में मैकिया रहेगा हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रहेगा गारंटी लो आप पहले नहीं नहीं इसकी आजादी तो संविधान ही देता है संविधान ही देता है अब हिंदू राष्ट्र की आप बहुत जोड़ो तोड़ो से मांग रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जो हिंसा हो रही है लिंचिंग हो रही है ये सब तो बंद हो जाएगा कौन ना लिंचिंग हो गई कौन सी लिंचिंग हो गई आए दिन लगातार धार्मिक नफरत पैदा कर रहे हैं लोग हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब कुछ शांति से होगा शांति से होगा हिंदू मुसलमान करने का काम कौन करता है भारतीय जनता पार्टी करती है अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कहा कि चार बच्चे पैदा करो दो बच्चे राम के लिए दो बच्चे अपने लिए धीरेन्द्र शास्त्री कितने भाई महाराज कितने भाई अपने शादी कह नहीं की अपने बच्चे को साधु बनाना है और दूसरे बच्चे को तिरंगा पकड़ाना है संघ का झंडा तो पकड़ा हर बच्चे कीजिए दो दो धर्म के लिए दीजिए दो अपने पास अरे मैडम इनके भाई इनके भाई को गुंडागर्दी के लिए दे दिया है इनके माँ बाप ने और हमसे कहते हैं कि देश के लिए दो धर्म के लिए दो फलाने के लिए दो ढिमकाने के लिए दो उसको क्या नाम है? इनका सालिग्राम शास्त्री को कहे भैया धर्म के लिए नहीं खड़ा किया बीड़ी पीने के लिए उसे खड़ा कर दिया था बहुजन भाई के शादी में कट्टा लहराने के लिए खड़ा कर दिया था किस लिए खड़ा किया था बताइए आप आरोप लगा रहे हैं मोदी पे अडानी को लेके आप नहीं? आरोप लगा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पे आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए और ऐसे में अगर सांसद जब रन ऐसे नहीं बोलेंगे की हमें वोट नहीं दिया तो जूते मारने चाहिए तो फिर तो आपको पढ़ना चाहिए जूता ऐसे सांसदों को ना बीच चौराहे पे खड़ा करके पचास जूता मारना चाहिए कम से कम पचास जूता एक जूता नहीं इन्होंने देश के 140 करोड़ जनता को जूता मारने का काम किया है तो इनको 50 जूता अगर एक एक जनता मारेगी ना तो इनका उद्धार हो जाएगा इतना नाराज क्यों है आप आप तो आप तो खुद कट्टर बीजेपी हाँ मैं गोबर भक्त था मैं मानता हूँ मैं अंधभक्त में मानता हूँ लेकिन कट्टर नहीं था अचानक इतनी नफरत बीजेपी से कैसे हो मेरे लहजे में जी हुजूर ना था इससे ज्यादा मेरा कसूर ना था मैं भारतीय जनता पार्टी के तलवे थोड़ी चाटूंगा आप लोगों की तरह हम थोड़ी हैं मीडिया पत्रकारों की तरह थोड़ी हैं, वो चाहते हैं है है, जितनी भी मीडिया हैं पार्टी की दलाली वाले वास्तविक में उनके अंदर हकीकत जिंदा है जमीर जिंदा तो है अपने माँ बाप की और भारत माता की कसम खा के बता दें कि उन्होंने अडानी से सवाल कितनी बार पूछा अभी बिहार में छह साल की बच्ची के साथ रेप हुआ उस पर उन्होंने कितनी बार दिखाया वहां पे उत्तराखंड में प्रशासन ने रोजगार मांगने पर छात्रों को कूट दिया वो कितनी बार दिखाया कैसे बदलाव आएगा आप ही बताइए अगर आप करेगा किसान की बात करेगा जवान की बात करेगा संविधान की बात करेगा विज्ञान की बात करेगा उसके साथ हम सम्मान महिलाओं का सम्मान बहुत बढ़िया सम्मान है बहुत बढ़िया सम्मान मिनिस्टर गोवान स्वामी किस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में रेप कितने गिनती नहीं कर सकते मनोज मित्तल किस पार्टी में पंद्रह किलोमीटर घसीटने के बाद भी लोगों से गलतियां हो जाती कुलदीप सिंगर किस पार्टी में? पार्टी में में भारतीय जनता रेप कितने किए गिनती नहीं कर सकते इसने, कपिल मिश्रा ने मोदी जी पे क्या आरोप लगाया था हम तो कह भी नहीं सकते समझ रहे हो ना समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है समझने कपिल मिश्रा जी ने लगाया था हम नहीं लगा रहे हैं कपिल मिश्रा ने लगाया था आरोप नहीं लगाया था कैसे होगा जनता को तो धर्म की अफीम चटा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने कैसे आप कह रहे हैं कि तो महंगाई बढ़ गई है आप सही बोल रहे आगे जाए वो हमेशा यही चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठाए और आर के झंडे उठाए और आने वाले समय में जब कोई हिंसा हो कोई कुछ हो तो उन्ही का लड़का पिटे भैया जय शाह जी कभी झंडा उठाए हैं आर का उठाए हैं बोलिए नहीं उठाए नहीं उठाए पंकज सिंह ने उठाया है कभी झंडा नहीं, नहीं उठाया है और हमसे कह रहे हैं झंडा उठाओ पकौड़ा तलो तो लेकिन और भी काम है वो गृह मंत्री हैं देश अच्छा। के और भी जरूरी काम होते हैं झंडा उठाने के अलावा अच्छा उनका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाए और गरीब का बेटा गरीब रह जाए ये भारतीय जनता पार्टी राश्टे को मजबूत बना रहे राष्ट्र विदेश में डंका बज रहा है किस चीज का डंका बज रहा है मैडम बताओ आप मोदी जी जो काम कर रहे हैं अठारह अठारह घंटे काम कर रहे हैं मंदिर बना दिया है उद्या मंदिर ले आए लाखों लोगों को पंद्रह लाख सी एस टी ओवीसी का पांच फायदा बताओ ब्राह्मणों का पांच फायदा बताओ जिन जिनका वहाँ पे मकान टूटा है उनके लिए भी पांच फायदा बताओ बताओ मंदिरों से फायदा स्कूल इसलिए नहीं बना रहे हैं कि उस स्कूल से अंबेडकर निकलेगा कलाम निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी की तल मुड़ नहीं मुंह तोड़ के जवाब देगा इसलिए वो चाहते हैं मंदिर बने ताकि सब लोग घंटा बजाएं और अपने पेट भरते रहे आप खुद गमछा लपेटे मंदिर के समर्थन में नहीं हो आपको तो मंदिर के समर्थन में होना चाहिए मैं तो मंदिर का समर्थन कर रहा हूँ मंदिर बन रही है अच्छी बात है लेकिन इस देश में हॉस्पिटल भी बनने चाहिए इस देश में स्कूल भी बनने चाहिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए लेकिन कुछ नहीं बन रहा है क्या बन रहा है मोदी जी के लिए बन रहा है बीस, बीस लाख करोड़ का घर बन रहा है सत्ता में आएंगे तो आगे भी काम करेंगे अगर ये सत्ता में गलती से आ गए तो देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करेंगे मोदी एक चीज आप जानते हो मैडम कि जब घर में कोई निकम्मा लड़का होता है ना तो घर का सोफा बेच देता है टीवी बेच देता है खेत खलिहान बेच देता है वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करती है रेल बेच दिया तेल बेच दिया बिका हवाई अड्डा और ये सब बिकता देख के खुश खुसे अपने जेपी नड्डा महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार कहा सोया है चौकीदार पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई और गैस ग्यारह पार कहाँ सोया है चौकीदार कहा मर गया चौकीदार बताइए कहाँ है चौकीदार ये अडानी का चौकीदार है ये चौकीदार है ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल चौकीदार है चौकीदार कहाँ है बताइए अडानी जी के अब चौकीदार बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल अडानी जी के चौकीदार हैं हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी हैं ये अडानी जी के प्रधानमंत्री हैं अंबानी जी के प्रधानमंत्री हैं आरएसएस वालों के प्रधानमंत्री हैं अडानी का, विरो, का विरोध राष्ट्र का विरोध अडानी का विरोध राष्ट्र का विरोध है भैया अडानी कौन है राष्ट्र है कौन सा राष्ट्र मैडम ये कौन सा राष्ट्र है देश का गौरव है अडानी ये अभी तक कुछ पत्रकार जो टीवी पैनल पे खड़े होकर दलाली करते थे वो कहते थे हिंदू राष्ट्र कुछ लोग कहते हैं भारत राष्ट्र कुछ लोग कहते हैं संविधान राष्ट्र अब मैडम ने बताया कि अडानी राष्ट्र ये कौन सा राष्ट्र है मोदी जी का कहना है कि अडानी पर सवाल नहीं होना चाहिए राष्ट्र पर सवाल खड़ा करना जी जी है। मोदी जी का और अडानी का रिश्ता क्या है आप बताइए चोर चोर मोसेरे भाई ये दोनों मोसेरे भाई हैं दोनों गुजरात से हैं एक बेच रहा है एक खरीद रहा है फर्क इतना ही है मोदी जी और अडानी जी जब बेच रहे निजीकरण और चीजों को अच्छे से ध्यान रखा जाए ये निजीकरण है इस इसपे नेशनल दस्तक लिखा हुआ है और इसमें अगर मैंने अपना शेयर डाल दिया तो यहाँ पे अनुराग लिख जाएगा जब तक आप इसे बेचोगे नहीं तब तक इस इसपे नेशनल दस्तक ही रहेगा ये बेचना है मैडम ये सरकारी संस्था इसलिए बेच रहे हैं ताकि गरीब के बच्चों को सरकारी नौकरी न देनी पड़े ताकि जैसा ही बैठे बड़े पद पे पंकज सिंह ही बैठे बड़े पद पे क्या करेंगे रोजगार रोजगार आप चिल्ला रहे पकौड़ा तली है पकौड़े में भी इनकी चाल है भारतीय जनता पार्टी की इसमें भी चाल है अगर हम पकौड़ा तलेंगे तो एक चीज बताइए रिफाइंड किसकी है अंबानी अडानी जी की है सरसों का तेल किसका है उन्हीं का है तो ये तेल भी सस्ता कर देंगे महंगा कर देंगे रिफाइंड भी महंगा कर देंगे पकौड़ा भी नहीं तल सकते पकौड़ा भी नहीं तल सकते सब में मोदी जी की चाल है सिलेंडर किस लिए महंगा कर रहे हैं कि कोई पकौड़े की दुकान ना खोल ले लेकिन धर्म के लिए थोड़ा महंगाई तो झेली जा सकती है थोड़ी बेरोजगारी भी झेली जा सकती है अच्छा धर्म के लिए जब हम ही नहीं बचेंगे तो धर्म भैया कहाँ बचेगा पहले हमें मजबूत होना पड़ेगा धर्म तो मजबूत है हम जानते हैं कि सनातन को इतना कमजोर नहीं है महंगाई का है आप देखेंगे तमाम सोशल मीडिया पे आपको महंगाई नहीं दिखती भारत माता की कसम खा के और अपने घर वालों की कसम खा के बता दो महंगाई नहीं है, नहीं है। कहा महंगाई है नहीं है बताइए महंगाई है अगर आपको अपने बिटिया की शादी करनी हो तो दो लाख तीन लाख रुपए सिर्फ शादी में देना होगा सोफा बनवाना होगा बेड बनवाना होगा पाँच सौ रुपये में बनेगा महंगाई नहीं है महंगाई नहीं है बताइए हम तो कहना चाहते हैं चाचा हमको तो नहीं आप, लगती है महंगाई आपको नहीं लगती है आपको आई टी सेल वाले पांच हजार सामको दे देंगे इसलिए आपको महंगाई नहीं देखते है चाचा आप देख लेना जिस लड़के से अपनी बिटिया की शादी करना ना देख लेना अगर प्रोफाइल पे चौकीदार लिखा हो ना तो शादी कभी मत करना तो जिंदगी बेकार करेंगे चलो मैं मुद्दे पे आती हूँ किरण खैर के बारे में आप क्या कहेंगे वो कह रही हैं कि मुझे वोट देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा वरना जूते पड़ेंगे जूते मैडम किरण खैर को माफी मांगनी चाहिए अगर वो माफी नहीं मांगेगी तो देश की 135 करोड़ जनसंख्या इनको चौबीस में मुंहतोड़ नहीं मुंहतोड़ के जवाब देगी आप बहुत गहरा इल्जाम लगा रहे हैं चौबीस में बीजेपी को एक चुनौती टाइप से अब कर रहे हैं अरे चौबीस में अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे ना है मोदी जी चौबीस सीटों में ही लिपट जाओगे उसी में सिमट जाओगे हम तो कहते हैं कि चौबीस के बाद में मोदी जी वही गुजरात में आलू लो टमाटर लो प्याज लो लौकी लो, लो खीरा लो बैगन लो ही करेंगे बस मोदी जी के बारे में आप ऐसी प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री है मोदी प्रधानमंत्री है देश का गौरव है मोदी देश का गौरव है जी। ये विदेशों में जाके 2014 से पहले देश में पैदा होना पाप है मोदी जी कहते हैं हम नहीं कहते मोदी जी कहते हैं बताइए भारत में जिस देश में पैदा हुए जिसकी सरकार में तुम पैदा हुए इतने बेसरम हो जाते उसी देश की धज्जिया उड़ाने का काम तो करते कहने का मतलब था कि 2014 के बाद विकास हुआ विकास, भिकास, में भिकास, में है विकास डेवलपमेंट कोई दर प... कितना मैडम विकास दर भ्रष्टाचार मतलब... कांग्रेस पार्टी के इस ब्रस्ट ब्रस्ट समय में होता कितने भ्रष्टाचार किए ईडी और सेल सब उन्हीं के बनाया हुआ है हाँ उन्हीं का बनाया है दुरुपयोग कौन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी कर रही है ED, वो जांच जांच कर कर रही रही है, जनता है जनता पार्टी की जमाई बन के बैठ गई वो जांच कर रही करेंगे ईडी सीबीआई और सेबी दे दीजिए मोदी जी आपको एक घंटे के अंदर जेल के पीछे ना कर देना तो नाम बदल दूंगा खुली चुनौती है खुली चुनौती अब आप ईडी बैठाइए हमारे खिलाफ प्रशासन भेजिए सेवी भेजिए कुछ भी कर सकते हो आपको भी उतना ही अधिकार है जितना आपको आप ताकि इतना, आने वाले समय में को आप इतना चैलेंज कर रहे हैं। आपके, आपको, नहीं लगता। नहीं। आपको जान से मारने की धमकी दी जा सकती है आपके घर ईडी और आईटी टी पता चला बिहार में क्या हो रहा है मनीष कश्यप का क्या हो रहा है वो भी ऐसा ही बोलते थे मनीष कश्यप भगौड़ और लतखोड़ पत्रकार है उसको तो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की दलाली करता है तो एक चीज़ बताइए राज्य में जब दलाली करोगे तो राज्य में तो कुछ तो अधिकार राज्य को मिला ही है तो अगर एक छोटी सी रिपोर्ट हो गई तो बिलबिलाने लगा है अब वो बिलबिला रहा है उसकी माई भी बिलबिला रही है जाके और वो मतलब अपनी माँ का सगा नहीं हुआ तो देशवासियों का सगा होने वाला नहीं ये बिहार वाले भैया बुरा मत मानना हमारी बात को वो ही कह रहा है कि सन ऑफ बिहार सन ऑफ बिहार का मतलब समझते हो अनुराग सन ऑफ पिताजी का नाम और मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार समझदार हैं लोग समझ रहे हैं कि कहना क्या चाहता है मनीष कश्यप तो ये देखिए ये थे अनुराग ओझा लगातार बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं काफी नाराज है क्योंकि महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है अब सवाल ये पैदा होता है कि जनता की आवाज को मुखर होकर कैमरे के सामने रखने वाले अनुराग ओझा क्या चौबीस में वाकई में सत्ता से मोदी जी को बाहर निकाल कर फेंक पाएंगे या थप्पड़ और जूते खाकर जनता फिर से मोदी जी को सत्ता में लेकर लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बताइए कि अनुराग ओझा के साथ बातचीत पे आपकी क्या राय है है नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें